सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनित एचएसएससी में। हर छात्रवृत्ति यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर एक और अपडेट आई है आप सभी के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का कमेंट्स था कि क्या होती है 60%, 40%, बहुत सी स्टूडेंट्स की हालांकि कम भी आई है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई भी लाइव केस नहीं है जिनकी 60% आ गई है या फिर जिनकी 40% आ गई है और उनकी 60% या फिर 40% आनी बाकी है। तो मेरे पास अभी भी ऐसा कोई भी लाइव केस नहीं आया, लेकिन कमेंट आई थी मेरे पास कि हमारी अभी 60% आई है या 40% आई है, बाकी की बची हुई कब आएगी। तो उस सब की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। 60% 40% का क्या मैटर है वो भी बात करेंगे, साथ ही जिन स्टूडेंट्स की कम स्कॉलरशिप आई है उनको लगता है कि उनकी फीस ज्यादा थी, वो प्राइवेट कॉलेज की स्टूडेंट है उनकी फीस ज्यादा थी, तो उनकी हालांकि जिनकी जितनी ज्यादा पेमेंट कटी है उस बेस पर उनकी स्कॉलरशिप डलनी थी। अब जिन स्टूडेंट्स की पेमेंट मान लीजिए आपकी पेमेंट कटी 4,000 के आसपास आपकी फी लगी गवर्नमेंट कॉलेज में, जो यूजी के कोर्सेज है उसमें 2 से 4,000 के आसपास आपकी फी पे कटती है, और जो एससी कैटेगरी की स्टूडेंट है उनको हालांकि 14,000 स्टाइफंड मिलता है, लेकिन जो बीसी कैटेगरी के स्टूडेंट है ओबीसी बीसी ए बीसी बी के उनको जो है 2,500 के आसपास स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस सब की बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 60% 40% का आपका क्या मैटर होता है। तो 60% 40% में क्या क्या स्कॉलरशिप आती है आपकी, तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है, ना ही कोई नोटिस है कि किस स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन ऐसा एक क्राइटेरिया जरूर बनाया गया है कि फीस के बेस पर जो स्टूडेंट्स को है अलग अलग उनको जो है स्टाइफंड दिया जाए, या फिर उनको बुक के लिए स्टाइफंड दिया जाए, या फिर उनको जो भत्ता दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया जाए। सबसे पहले समझ लेते हैं 60-40% का क्या मैटर है। तो 60% 40% क्या है, आपकी 100% स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में आएगी, ये आपका श्योर है, लेकिन आएगी कब इसकी कोई भी जो है डेट मेरे पास नहीं है फिक्स। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही कोई डेट नहीं है तो मैं आपको कोई भी फिक्स डेट नहीं बता सकता, लेकिन एक पहले अंदाज़ा था कि आपके एग्जाम्स कंडक्ट होने से पहले आपकी सभी स्कॉलरशिप आ जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम भी कंडक्ट हो गए हैं लेकिन अभी तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे अभी तक पेंडिंग है हरियाणा के जिन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया था और उनकी स्कॉलरशिप अभी तक अकाउंट में नहीं आई। सबसे पहले 60% 40% देख लेते हैं। 60% 40% क्या है, तो जो अदर स्टेट हैं हरियाणा को छोड़कर, हरियाणा में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कि 60% 40% हरियाणा की सभी स्कॉलरशिप एक साथ आती है। एससी कैटेगरी स्टूडेंट को 2,000 बुक्स के अलग से आए हैं और जो उनकी 12,000 बच गए उनको भत्ता जो स्टाइफंड दिया जाता है वो अलग से आया है, लेकिन 60% 40% में क्या है, 40% आपको जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट यानी हरियाणा गवर्नमेंट देगी, वो आपकी 40% डलेगी, और जो बची हुई 60% है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। हालांकि बिहार उत्तर प्रदेश की जो स्कॉलरशिप मिलती है उन सभी में ऐसा ही है कि 40% स्टेट गवर्नमेंट और 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी कम आई है वो अपने साथियों से पता करें क्या उनकी भी उतनी आई है उस कोर्स में। उनकी अगर उतनी आई है तो हालांकि हो सकता है कि आपकी भी उतनी ही डले, अगर आपकी कम आई है तो आपकी जो है स्कॉलरशिप टाइम से डल जाएगी। पिछले 2 साल से ऐसा चल रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप टाइम से नहीं आ रही। बात करें आपके जो है स्टाइफंड आपको मिलता है, पिछले 2 साल से आपकी स्टाइफंड जो है नहीं आई। इस बार बहुत स्टूडेंट्स का क्या है कि उन सभी स्टूडेंट्स का थर्ड लेवल तक उनकी कंप्लीट हो गई, थर्ड लेवल तक उनकी अप्रूव है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट उनकी अभी तक नहीं हुई है। यहाँ पर उनको पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ट्रांजैक्शन नंबर, डिस्ट्रीब्यूट डेट, कोई भी अमाउंट नहीं दिखा रहा। तो उन स्टूडेंट्स को बता दूं कि उनकी स्कॉलरशिप भी आएगी। फिलहाल आपकी जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं उनमें पता कीजिए उनमें किन किन स्टूडेंट्स की आ गई है, लगभग सभी स्टूडेंट्स की एक साथ डलेगी। अब ऐसे लगभग स्टूडेंट्स की डलनी जो है उनकी डल चुकी है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी तक नहीं भी है, किन्हीं स्टूडेंट्स ने 2 अकाउंट दे रखे हैं तो दूसरे अकाउंट में वो चेक कीजिए। मेन अकाउंट आपका कौन सा होगा, जो आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होगा, आपका जो अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है उसमें आपकी पेमेंट आएगी। जो आपका आधार कार्ड से अकाउंट लिंक है, आपके पास 2 अकाउंट है तो जो अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक है उसमें आपकी पेमेंट आएगी। और बहुत से स्टूडेंट का ऐसा है कि स्टूडेंट्स को जो है आधार कार्ड लिंक नहीं है बैंक से तो उनका भत्ता नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो आपकी पेमेंट कैसे डालेगी, वो आपकी पेमेंट आधार कार्ड नंबर से डालेगी, आपके आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करके फिर आपके आधार कार्ड नंबर से आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में डालेगी। तो आपका आधार कार्ड अकाउंट से लिंक है या नहीं, ये पहले भी मैंने वीडियो में बोला है, आप वो चेक करवा लीजिए कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आप चेक करवा सकते हैं, अगर आप यूट्यूब की मदद लेंगे तो आप घर बैठे भी चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। तो जैसे ही स्कॉलरशिप के लिए कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी कि आपके लिए कोई डेट आती है कि आपकी स्कॉलरशिप कब डलेगी या फिर और कोई अपडेट आती
आती है स्कॉलरशिप से जुड़ी हुई, तो आपको जरूर हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए कोई भी अपडेट नहीं है स्कॉलरशिप को लेकर। पिछले 2 साल से चल रहा है कि आपकी स्कॉलरशिप लेट हो रही है, इसका रीज़न भी अभी तक समझ में नहीं आया है कि क्या रीज़न है, क्योंकि ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस आया, ना ही डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन है, और ना ही हरियाणा की किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट हर छात्रवृत्ति है हरियाणा के लिए, उस पर भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि आपका भत्ता कब तक आएगा। तो स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि जैसी कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगी आपको वीडियो जरूर मिलेगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।